एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खास टिप्स लेके आई हूँ, स्पेशली फॉर पेरेंट्स के लिए जिनको लगता है कि उनके बच्चे जो हैं वो ढंग से पढ़ नहीं पाते। जब वो पढ़ाने बैठते हैं तो कभी इधर या कभी उधर लग जाते हैं, खप करने के लिए, खप डालने के लिए लग जाते हैं, तो उनको लगता है कि उनके बच्चे कंसंट्रेट नहीं करते पढ़ाई के ऊपर। तो आज मैं उन लोगों के लिए, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, बहुत ही अच्छा सा टिप्स लेके आई हूँ। तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आजकल के टाइम में बच्चे जो है वो ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन से या फिर टीवी में, आपको पता है कि मैंने वीडियो में, पिछले वीडियो में भी यही बताया था कि वो ज़्यादातर इस चीज़ों में बिजी रहते हैं, या फिर अगर माएँ उनको पढ़ाने के लिए बैठती हैं तो वो बच्चे ध्यान लगा के नहीं पढ़ते, कभी इधर कभी उधर, कभी कोई बहाना, कुछ ना कुछ वो एक्सक्यूज़ बनाते रहते हैं जिनको उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो आज मैं उन लोगों के लिए टिप्स लेके आई हूँ जो कि अपने बच्चों को आराम से बैठ के पढ़ा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को पूरे 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी, 5 टिप्स ऐसे बताऊंगी जिससे पेरेंट्स बच्चों को पढ़ा सकते हैं इजीली से, और बच्चे जो है वो भी आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टिप जो है वो है, अपने बच्चों को स्टडी टेबल ज़रूर लेके दें। इट मीन्स कि अगर आपका बच्चा जो है, अगर आप बच्चों को फर्श पे बिठाते हैं तो वो बच्चा जो है वो बेंड होके लिखना स्टार्ट करेगा, इससे उसकी बैक पेन भी बहुत ज़्यादा होगी और प्रॉब्लम भी आपको भी साथ में ही होगी, क्योंकि आप बच्चों की तकलीफ ऐसे देख नहीं पाओगे। तो बच्चा अगर बेंड होके लिखना स्टार्ट करेगा फर्श पे तो उसे लिखा नहीं जाएगा परफेक्टली, क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी फिर ऐसे लिखने में उनकी बैक पेन बहुत ज़्यादा में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए ज़रूरी मैटर नहीं करता है कि आप उनको उनकी हाइट से ज़्यादा लेके दें। अगर वो फर्श पे बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं तो उतने साइज़ का भी स्टडी टेबल मार्केट में अवेलेबल रहता है, तो आप चाहो तो उसको उतने साइज़ का फर्श पे बिठा के स्टडी टेबल पे स्टडी करवा सकते हो, जिससे आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चा भी आसानी से काम करना स्टार्ट कर देगा, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये थी मेरी फर्स्ट टिप। एंड मेरी अब है सेकेंड टिप। मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा पढ़ते टाइम कोई एक्सक्यूज़ बनाता है, लाइक कि मम्मा मुझे प्यास लग रही है, मम्मा मुझे भूख लग रही है, या मम्मा मुझे सुसु पॉटी जाना है, अगर आपका बच्चा भी ऐसे करता है तो एक ज़रूर काम करिए। सबसे पहले अगर पढ़ाने से पहले बच्चों को अच्छी तरह से खिला पिला दीजिए, उनकी टमी फिल कर दीजिए, तो उनसे पानी वगैरह सब कुछ दे दीजिए, उनसे पूछ लीजिए सुसु पॉटी तो नहीं आया, तब उनको बिठाइए। और अगर बीच में पढ़ाई के टाइम पे उनको प्यास लगती है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पढ़ाई के टाइम पे उनको एक बॉटल साथ में ज़रूर लेके रखें, ताकि अगर उनको प्यास लगे तो आप उनको इजीली पानी दे सकें। तो ये था मेरा सेकेंड टिप्स। और मैं आपको बताती हूँ कि आज की थर्ड टिप्स क्या है। मेरी आज की ये है कि अगर आपके मतलब दो बच्चे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक को इधर बिठा सकते हो, एक को इधर बिठा सकते हो। ऐसे क्या होगा कि बच्चों जो दो आपस में नहीं बैठेंगे तो उनका माइंड जो है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अपने काम में लगेगा, उनको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर हम बच्चों को, जैसे देखा है कि कई बार बच्चे इकट्ठे बैठ जाते हैं, भाई बहन हो या बहन बहन हो, तो वो एक दूसरे से पूछते रहते हैं, दीदी क्या कर रही हो, दीदी ये देखो, दीदी वो देखो, बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, है ना। आपके भी बच्चे आई थिंक ऐसा करते होंगे जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप लोगों के भी बच्चे ऐसे करते हैं तो आप उनको ऐसे ही करिए, एक को इधर बिठा दे, एक को इधर बिठा दे, और बीच में आप बैठ जाएं, तो जिनसे वो बातें भी एक दूसरे से नहीं कर पाएंगे और इजीली अपने वर्क पे ध्यान देंगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना कि दीदी ये देखो मेरी पेंसिल क्या हो गया, दीदी ये देखो मेरी इरेजर, दीदी देखो मैं ये कार्टून बना रहा हूँ, कुछ भी है, मतलब दीदी आप क्या कर रहे हो, ऐसे बहाने बहुत ज़्यादा बनाता है बच्चा, तो वो एक दूसरे से बातें करने के लिए कनेक्ट रहते हैं। तो इसलिए आया है कि आपको अपने बच्चों के बीच में बैठे, उन दोनों को साइड पे बिठा के, एक दूसरे को बिठा के, दूर दूर बिठा के रखे, ताकि वो इजीली अपने स्टडी पे कंसंट्रेट कर सके और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चे भी आराम से पढ़ लेंगे। आपको बताती हूँ मेरी फोर्थ टिप क्या है। फोर्थ टिप मेरी ये है कि अगर आप जैसे दोनों बच्चों को पढ़ाने बैठते हो तो पढ़ाते वक्त किसी एक का होमवर्क जो है वो जल्दी से हो जाता है, मतलब एक बच्चा जल्दी पढ़ लेता है तो फ्री हो जाता है, तो आप उसको जाने मत दीजिए करिए, नहीं तो ना दूसरे बच्चे का भी कंसंट्रेट बिगड़ जाता है, तो वो देखने लग जाते कि हाँ यार उसका हो गया होमवर्क, मैं रह गया, मैं रह गई। तो ये है कि दोनों को इकट्ठे ही बैठ के पढ़ाएं, अगर एक को आप फ्री कर देते हो पढ़ाई उनकी ख़त्म होते ही, तो दूसरे बच्चे का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। ऐसे आप लोगों ने कई बार नोटिस भी किया होगा कि अगर एक बच्चा फ्री हो गया तो दूसरा बच्चा बस उसको देखने लग जाता है कि हाँ यार फटाफट फ्री हो गया, तो उसकी तरफ ही सारा ध्यान रहता है, दूसरे बच्चे की तरफ कि वो भी खेल रहा है, पानी पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, एक्सेट्रा।
तो इसकी वजह से यही मैं आप लोगों को फोर्थ टिप में यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप दोनों बच्चों को साथ में पढ़ाते हैं तो उनको साथ में ही बैठ के पढ़ाएं। अगर उनका काम एक का ख़त्म हो गया तो उसको उठने मत दें, जबकि उसको दूसरे वर्क में लगा के बिजी रखें, तो जिससे कि दोनों का माइंड जो है वो कंसंट्रेट बिल्कुल रहेगा स्टडी पर, तो कोई भी मतलब फ्री नहीं रहेगा, तो एक दूसरे को कोई भी नहीं देखेगा, तो वो अपने काम पे परफेक्टली ध्यान दे सकते हैं। तो मेरी फिफ्थ टिप क्या है कि अगर आप अपने बच्चे को बैठ के पढ़ाते हैं तो आप मेक श्योर कि पेरेंट्स का सबसे फर्स्ट सबसे ज़रूरी यही बात है कि वो अपना टाइम टेबल पूरी तरह से परफेक्ट बना के रखे। इट मीन्स कि बच्चे अगर कि अगर आपके बच्चे जो हैं वो एज वाइज हैं तो एज वाइज आप एक एक घंटा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। जैसे कि अगर आपका मान लो बच्चा है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको 1 या 1.5 आवर तक पढ़ा सकते हो, जिससे कि आप पूरा उसका परफेक्ट शेड्यूल बना लो कि इतने बजे मुझे पढ़ाना है, इतने बजे आपको कोई भी आपको भी डिस्टर्बेंस कोई क्रिएट करने वाला नहीं होना चाहिए। तब तक उतना टाइम परफेक्ट रखें कि जिससे बच्चे जो हैं वो आराम से पढ़ सकते हैं आपके पास बैठ के, आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी, आप भी ज़्यादा चिड़चिड़े नहीं होंगे, आपको लगेगा कि हाँ मैं बच्चों को बार बार पकड़ के कैसे लेके आऊँ कि चलो अब होमवर्क करें, चलो अब पढ़ाई करने बैठो, तो इससे आप भी इरिटेट होंगे और बच्चा भी इरिटेट होगा, तो वो पढ़ने के लिए उसका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। तो मेक श्योर कि आप उनके साथ बैठ के एक पूरा स्केड्यूल बना लीजिए, जिससे कि आपको भी पता हो कि इतने बजे मेरे बच्चे का पढ़ने का टाइम फिक्स है, तो आप उसी टाइम पे अपने बच्चों को पढ़ाएं, जिससे उनका भी रूटीन वैसे ही बन जाएगी और आपकी भी हैबिट वैसे ही हो जाएगी उनको पढ़ाने के लिए। तो ये थे मेरे पूरे 5 टिप्स, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसे लगी। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना, चैनल भी नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो चलिए फिर मिलते हैं अब अपनी नई वीडियो के साथ। ये थी मेरी आज सेकेंड वीडियो थी टिप्स पे, तो अब मैं थर्ड वीडियो बनाने वाली हूँ, बस इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत कर दूंगी। तब तक आप मेरे ये वाली वीडियो देखिए और मिलते हैं अब अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।